हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो और अपना अच्छी तरह से ख्याल रख रहे हो। तो आज हम हिंदी में सीखने जा रहे हैं क्रिया। क्रिया क्या होती है? कुछ तो आप इस चित्र को देखकर ही समझ सकते हैं कि क्रिया का मतलब क्या है। क्रिया का मतलब होता है किसी कार्य का होना। क्रिया का मतलब ही है कार्य। तो यानी कि ऐसे शब्द जो हमें किसी कार्य के होने का पता चलता है, जिनसे उन्हें हम क्रिया कहते हैं। क्रिया की परिभाषा क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं। जैसे किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ऐसे शब्द जिनसे हमें पता चलता है कि यहाँ पे कोई कार्य हो रहा है, कोई काम हो रहा है, या उस काम के होने का पता चलता है हमें जिन शब्दों से, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अभी देखते हैं कौन कौन से शब्द क्रिया शब्द होते हैं। देखिए, जैसे क्रिया शब्द कौन कौन से हैं? खड़े होना, ताली बजाना, खाना, पढ़ना, भागना, चलना, धकेलना, खींचना, गाना, व्यायाम करना, नाचना, हंसना, चढ़ना, बैठना, लिखना, तैरना, काटना, जम्हाई लेना, पीना, रेंगना, कूदना, उड़ना, गले लगाना, खेलना, चिल्लाना, सोना, धोना, ये सारे शब्द क्या हैं? क्रिया शब्द हैं। हंसना, रोना, खेलना, कूदना, पढ़ना, खाना, जितने भी ऐसे शब्द हैं जिनसे हमें पता चल रहा है कि कुछ काम हो रहा है, उन सभी शब्दों को हम क्रिया शब्द कहते हैं। हमने सीख लिया कि क्रिया क्या है, तो अब उससे जुड़ी एक छोटे से वर्कशीट को हम लोग सॉल्व करेंगे। चित्रों को देखकर उनमें होने वाली क्रिया को वाक्यों में लिखिए। हमने चित्र देखने हैं और उनमें जो भी क्रिया हो रही है, जो भी कार्य हो रहा है, उसको हमने वाक्य में लिखना है। धन्यवाद।